हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने आई हूँ। बहुत लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, या मुझे व्हाट्सअप भी बहुत लोग करते हैं, और जो पर्सनल रीडिंग में भी आते हैं वो लोग भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके माइंड में। तो वो सब क्वेश्चंस को मैं लेके, मतलब जनरली सबके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस में आज आंसर्स देने की कोशिश कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा कि मैम, अगर हम ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं और हमारा सेपरेशन हमारे पार्टनर से चल रहा है, और हमारे पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, तो क्या हमको कैसे पता चलेगा कि वो उनके कार्मिक है या सोलमेट है? फ्रेंड्स, एक तरीका तो ये होता है कि आपने टैरो रीडिंग करवा लीजिए तो उनसे आपको पता चल जाएगा। सेकेंड ये होता है, अगर उनके कार्मिक है वो, तो वो डेफिनेटली उनको लेसन सिखाएंगे। सपोज आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो, आप लोग ने इनर वर्क स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपके पर्सन को वो कार्मिक पार्टनर से लेसन्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके पर्सन का जितना बड़ा ईगो होगा, जितने ज़्यादा वो एटीट्यूड आपको दिखाते, उतना ही बड़ा लेसन उनको उनके कार्मिक से मिलेगा, ये आप समझ के चलिए। और डेफिनेटली कार्मिक लाइफ में आते ही इसीलिए है लेसन सिखाने के लिए। आपके पर्सन आपको छोड़ के जाते हैं थर्ड पार्टी के पास, एक्चुअली वहाँ जाते क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल? क्योंकि वो आपके इंटेंसिटी, आपके लव से इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं नहीं ये पर्सन से मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इतने वल्नरेबल नहीं बनना चाहते, इसलिए वो आपसे भागते हैं और दूसरे रिलेशनशिप को ट्राई करने की कोशिश करते हैं आपको भूलने के लिए। लेकिन वो भूल नहीं पाते हैं और वो कार्मिक के उसके अंदर फंस जाते हैं, अपनी ईगो की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने जो नेगेटिव लेयर्स उन पे चढ़े हुए हैं उसकी वजह से। तो वो कार्मिक उनको लेसन सिखाते हैं, इसीलिए वो है ना इस सब रिलेशनशिप में जाते हैं। तो ये आप कार्मिक किसी की लाइफ में भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कार्मिक थर्ड पार्टी खाली है ना लव रिलेशनशिप ही हो, या आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये भी हो सकते हैं कार्मिक जो आपको लेसन सिखाते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ही कार्मिक्स का ये है कि आपको लेसन सिखाना। तो इनको आपको कुछ बुरा भला नहीं बोलना है, हमको इनको थैंक्स बोलना है कि अगर ये नहीं आएंगे लाइफ में तो लेसन सीखेंगे कैसे और लेयर्स उतरेंगे कैसे। तो कार्मिक्स को हमेशा हमेशा थैंक्स ही बोलना चाहिए। सेकंड, आपके पर्सन के पार्टनर अगर सोलमेट है तो उनके साथ में उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत लविंग होगा, उनके बीच में मन मुटाव भी होगा या थोड़ा सा झगड़ा भी होगा ना, वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और उनमें हमेशा देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि सोलमेट हमेशा लाइफ में सपोर्ट करने आते हैं, हेल्प करने आते हैं। तो अगर उनके पार्टनर सोलमेट है तो वो उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, लव करेंगे, उनके हर डिसीजन में उनका सपोर्ट करेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमारे पर्सन सोलमेट रिलेशनशिप में है, कार्मिक रिलेशनशिप में है, तो वो क्या हमारे पास आएंगे? फ्रेंड्स, अगर कार्मिक रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली 101% आपके पर्सन आपके पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो कार्मिक के पास गए इसलिए कि वो लेसन सीखे और आपकी इंपॉर्टेंस उनको समझने आए। गॉड उनको भेजता ही इसीलिए, तो वो कार्मिक के पास गए हैं तो डेफिनेटली आपके पास रिटर्न डेफिनेटली होंगे। देखिए, सपोज वो सोलमेट है तो आपको ये नहीं सोचना कि वो सोलमेट है कि कार्मिक है, आपको ये सब चीज़ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान ही नहीं देना है। अगर वो सोलमेट भी है तो भी वो आपके पास आ सकते हैं, अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से लिखा हुआ है कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे, आप दोनों फिजिकल हार्मोनियस यूनियन पे इस अर्थ पे आओगे, तो वो सोलमेट को भी छोड़ के उनको आना पड़ेगा। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिनमें पार्टनर, उनके सोलमेट ने उनको खुद प्रोत्साहन किया है कि आप जाओ अपने ट्विन फ्लेम से, आप अपना ना यूनियन कीजिए, आप उनके साथ में रहिए। क्योंकि सोलमेट हमेशा समझते, आपको बहुत ज़्यादा समझते और आपको अपने हर डिसीजन में सपोर्ट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो हर सोलमेट को छोड़ेंगे नहीं, कुछ केसेस में ऐसे होता है कि बहुत केसेस में ऐसे होता है कि सोलमेट को नहीं छोड़ना चाहते हैं ट्विन फ्लेम्स, वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ में यूनाइट नहीं होना चाहते, सोलमेट के साथ में ही लाइफ बिताना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों को ऐसा होता है कि हमको हमारे ट्विन फ्लेम के साथ में ही जाना है, तो उनके सोलमेट भी सपोर्ट करते हैं उनके डिसीजन में। तो इसलिए आपको ये प्रेशर नहीं लेना है कि मेरे पर्सन के थर्ड पार्टी सोलमेट है या कार्मिक है, वो आप गॉड पे छोड़ दो। क्योंकि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर गॉड से लिखा हुआ है, आपके मन में एक फेथ है, स्ट्रांग फेथ है कि मेरे पर्सन आएंगे, मुझसे शादी करेंगे और हम लोग यूनाइट होंगे इस धरती पे, तो आप अपने फेथ के हिसाब से चलिए, ना कि वो सोलमेट है कि कार्मिक है, ये एनालाइजेशन में आप जाइए ही मत। समझिए, आप लोग को क्लैरिटी मिली होगी। अब सेकेंड क्वेश्चन फ्रेंड्स,
कुछ लोग पूछते हैं कि है ना, जब हम लोग इनर वर्क करते हैं तो सेक्सुअल एनर्जी हाई होने लग जाती है, तो उसको कैसे हैंडल करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को एक तो पहले चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब ट्विन फ्लेम जर्नी में हम होते हैं, सोलमेट जर्नी में होते हैं, तो ये सेक्सुअल रिलेशनशिप क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, सेक्सुअल एनर्जी होती है ना, वो सबसे हाई पावरफुल एनर्जी होती है, सबसे हाई पावरफुल एनर्जी होती है। अगर इस एनर्जी को बराबर से यूटिलाइज किया जाए ना, तो आपकी कुंडलिनी बहुत जल्दी जागृत हो सकती है और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई हो सकती है, बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। जब फर्स्ट टाइम आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलते हो, आपने देखा होगा कि आप लोग की उस वक्त है ना, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी फील करते हो। और उसमें से दो पार्टनर में से एक पार्टनर ऐसा होता है जो बहुत ही पॉजिटिव होता है, या बहुत स्पिरिचुअल होता है बचपन से, या बहुत ज़्यादा हमेशा है ना गॉड बिलीवर होता है, फेथ उनका बहुत स्ट्रांग होता है। और एक पार्टनर में नेगेटिव ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ईगो बहुत ज़्यादा होता है। तो इनमें जब आप क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हो आपके पार्टनर से, आपको सपोज आपका फिजिकल इंटीमेसी हो गया, या आपका ओनली खाली एक बोलते हैं ना खाली किसिंग भी हो गया, तो फिर आपकी एनर्जी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं। जिनमें नेगेटिव ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपकी आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं। और आप देखना शुरू करोगे कि आपके पार्टनर जिनमें बहुत ज़्यादा ईगो है या बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव ट्रेड्स है, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। ये पावर होता है पॉजिटिव एनर्जी का, सेक्सुअल एनर्जी का, जो पॉजिटिव पर्सन में होता है। जैसे आप इनको जब तक उनको एनर्जी देते रहते हो, आप उनको चेस करते रहते हो बहुत ज़्यादा, आप देखो कि आपके पर्सन की लाइफ में अच्छा होता रहता है। इसलिए गॉड आपको एक कंप्लीट सेपरेशन फेज मिलाता है, ताकि आप उनको एनर्जी देना बंद करो, आपकी फिजिकल इंटीमेसी कम हो जाए, या फिजिकल इंटीमेसी आप सोचना बंद कर दो उनके बारे में। ये चीज़ गॉड आपका इसलिए करता है ताकि उनको एनर्जी मिलना कम हो जाए और आपके पर्सन को उनके कार्मिक लेसन्स मिलना स्टार्ट हो। और जब जैसे जैसे आप फ्रेंड्स इनर वर्क करना शुरू करते हो, आपकी कुंडलिनी जागृत होना शुरू होती है, और उसके बाद में मतलब आपके दोनों के लेयर्स उतर चुके हैं, आपने काफ़ी इनर वर्क कर लिया है, साल दो साल हो गए, फिर आप रीयूनियन होता है आप दोनों का, तो आप लोगों की लेयर्स एक उतरी हुई होती है कम्प्लीटली, आप दोनों जन पॉजिटिव होते हो। और फिर जब आप लोगों की सेक्शुअल इंटीमेसी होती है, आपकी क्लोजनेस आती है, तो आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो वो आपको मिलती है, और आपका सोल पर्पस भी आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। मेजॉरिटी ऑफ आप सेलिब्रिटीज, आपने देखा होगा कितने सेलिब्रिटीज हैं जो ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, जो जिनकी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा समाज में भी बहुत ज़्यादा नाम हो गया है दुनिया में, और वो एक बहुत स्ट्रांग सोल पर्पस कर रहे हैं, और एक ना वो अपने सोल पर्पस की वजह से इतना ज़्यादा नाम कमा रहे हैं कि पूछिए मत। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इंडियन सेलिब्रिटीज़, फॉरेन सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, क्योंकि उनकी मैनिफेस्टेशन पावर कैसे हाई हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को, अपनी कुंडलिनी को राइज किया, सेक्सुअल एनर्जी को राइज किया। और जब दो ट्विन फ्लेम्स कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, सोलमेट्स फिजिकल इंटीमेसी में आ जाते हैं लेयर्स उतरने के बाद में, तो उनकी पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, दोनों की कुंडलिनी राइजिंग हाई होती है और उनकी मैनिफेस्टेशन पावर हाई होती है। होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन जब हम इनर वर्क करते होते हैं फ्रेंड्स, कितने लोगों ने मुझे पूछा कि हम इनर वर्क कर रहे हैं, जैसे हम सैक्रल चक्र पे वर्क कर रहे हैं, तो तब हमारा सेक्सुअल इंटीमेसी हाई होने लग जाता है, हमको सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। तब क्या करना चाहिए? जब उस वक्त आपको फ्रेंड्स सेक्सुअल इंटीमेसी आती है, फील होती है, तो आपको खाली उस एनर्जी को फील करना है, मतलब खाली ऑब्जर्व करना है आपको उसको, है ना, वो एनर्जी को कंप्लीटली ऐसे बोलते हैं ना एक्स वो उसमें नहीं जाना है, जो बोलते हैं ना हम लोग के एकदम फिजिकल इंटीमेसी आ गई तो उसको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइजिंग में चले गए और बहुत ज़्यादा क्लाइमैक्स तक पहुँच गए, वो सब चीज़ नहीं करनी है आपको। आपको खाली वो फीलिंग को ऑब्जर्व करना है, और हो सके तो ऐसे फील कीजिए कि वो एनर्जी आपकी जब आती है, आपको फील होती है, आप एक्स फील कीजिए कि वो एनर्जी आपके ऊपर की तरफ जा रही है, सोलर प्लेक्सस की तरफ, हार्ट चक्रा की तरफ, और आपके थ्रोट चक्रा की तरफ, और थर्ड आई तक लेके जाने की कोशिश कीजिए उस एनर्जी को। इस तरह से आप डाइवर्ट करेंगे अपनी एनर्जी को, तो आपकी एनर्जी वो चक्र, वो एनर्जी ऊपर चढ़ेगी ना, तब आपकी चक्रास ऊपर के भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। हो जब आपको ये सब सेक्टर चक्र पे वर्क करते हो ना, तब आपकी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा वर्क कीजिए, जैसे आपकी हॉबीज़ है डांसिंग, सिंगिंग, आपको जो म्यूज़िक प्ले करना अच्छा लगता है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, पियानो है, गिटार है, वो सब कीजिए, गार्डनिंग कीजिए,
आपकी कोई क्रिएटिव साइड है ना बाहर निकाली, जैसे ये हम लोग ये वीडियोस बना रहे, तो ये भी हमारा क्रिएटिव साइड है जो बाहर आता है। तो इस तरह की आप चीजें कीजिए, आपका सोल पर्पज कीजिए, एनिमल्स को फीड कीजिए, ये सब करेंगे आपकी एनर्जी, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज में एनर्जी आपकी बाहर आएगी, तो वो सेक्सुअल एनर्जी इस तरह से आपकी बाहर आनी चाहिए, ना कि आपकी एनर्जी आप जब अगर वो बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर लेते हो या सब कुछ कर लेते हो तो आपकी एनर्जी कंप्लीटली रिलीज हो जाती है, वो आपकी कुंडलिनी छड़ती तो है ऊपर लेकिन आप उसको रिलीज कर देते हो। तो वो एनर्जी को रिलीज नहीं करना है हमको, वो एनर्जी को ऊपर लेके जाना है, ऊपर के चक्रास की तरफ उसको मोड़ना है। होप काफी लोगों को ये क्लैरिटी मिली होगी इस चीज के बारे में। फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि इनर वर्क कितना करना चाहिए, हाउ मच टाइम वी शुड गिव। फ्रेंड्स, ये आप लोग पे डिपेंड करता है कितने लेयर्स आप लोग पे छड़े, और आपको गॉड अपने आप वो गाइडेंस देगा कि हमें कितना इनर वर्क करना है, समझ रहे हो। जैसे आपको चक्रा सेवन चक्रा मेडिटेशन करना है हमको, तो 20 मिनट से लेकर 35 मिनट तक एवरी डे सेवन चक्रा मेडिटेशन करना है। अगर आप सेवन चक्रा मेडिटेशन रोज नहीं कर रहे तो कोई भी एक चक्रा आप रोज पकड़ लीजिए, जैसे रूट चक्रा हो गया या सेक्टर चक्रा हो गया या सोलर प्लेक्सस हो गया, उसको 20 मिनट्स आप रोज कीजिए। अगर रोज सेवन चक्रास आप नहीं कर रहे हो तो आप एक कोई भी एक चक्रा पकड़िए और उसको एक महीना दीजिए, फिर दूसरे चक्रा पे जाइए, फिर तीसरे चक्रा पे जाइए, इस तरह से एक एक महीना एक एक चक्रा को दीजिए। ये भी आप कर सकते हो आपके चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए। और एक आपको प्राणायाम तो एवरीडे करना ही करना है। प्राणायाम करने से हमारी है ना अनुलोम विलोम, स्पेशली अनुलोम विलोम और ना नाड़ी शोधन, ये सब करने से हमारी है ना मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होती है। जब हम कपाल भारती करते हैं तो हमारा सोलर प्लेक्सस डायरेक्टली एक्टिव होता है। तो ये प्राणायाम सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे बहुत सारे प्राणायाम्स हैं और ऐसे योगा पोजेज है जो जिससे हमारे चक्रा डायरेक्टली एक्टिव होते हैं। सूर्य नमस्कार है, ये सब और भी बहुत सारे पोजेस है जो आप कर सकते हो। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको मिलेंगे उस तरह के। और जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे मैं डालने वाली हूँ कि अलग अलग चक्रा के अलग अलग पोजेस कौन से हैं, कैसे आसन है, वो आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, मैं वो डालने वाली हूँ वहाँ पे। तो इस तरह से आपकी एनर्जी आपको यूटिलाइज करनी हो, स्पेशली आप डांसिंग सिंगिंग एक प्लेलिस्ट बना लीजिए अपनी, डांसिंग की या फिर सिंगिंग की जो आपको पसंद है। और अकेले में हो, अगर आपको सबके में शर्म आती है तो अकेले में रूम में या कहीं टेरेस पे जाके अकेले डांसिंग कीजिए। इस तरह से आपकी एनर्जी मतलब हाई वाइब्रेशन में लाना खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं या डांसिंग करते हैं या सिंगिंग करते हैं या हमारा जो हॉबी है, हम जो गिटार प्ले करते हैं, पियानो प्ले करते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब भी आप लो फील करो, कोशिश कीजिए कि अपनी एनर्जी को हाई करनी है आपको। आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ों के लिए। तो ये इस तरह से आप अपनी वाइब्रेशन हाई रखेंगे। जैसे आप लो वाइब्रेशन में होते हो ना, एक मैंने वाइब्रेशन चार्ट भी डाला है, शायद मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, आप जाके देखिए। अगर आप गिल्ट में हो, बहुत ज़्यादा फियर में हो, या अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में हो, डिज़ायर की एनर्जी में अभी भी हो, तो आप समझ लीजिए कि अभी भी आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो। आपको हाई वाइब्रेशन में आने के लिए ये सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन और हमारी ये ना महत्वाकांक्षा, ये सब हमारे सेक्रल एनर्जी, सेक्रल चक्र में बहुत ज़्यादा फीडेड है, इसलिए इस पर वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो ये सब चीज़ आप कीजिए। अगर सपोज आपके पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन नहीं चालू है जरा अभी, तो आप थ्रोट चक्रा पे वर्क कीजिए कि थ्रोट चक्रा पे वर्क करना, आपको कम्युनिकेशन चालू करना है तो अभी। जैसे कभी आपके पहले के चक्रा एक्टिवेटेड नहीं है, मतलब दूसरे चक्रा एक्टिवेटेड नहीं है, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, और आप डायरेक्टली थ्रोट चक्र एक्टिवेट करते हो और आपके पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे आपको और आपके पर्सन को, दोनों को। हो सकता है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिबेल करो या रिबेल है ना, एक वो दूसरे डायरेक्शन में जाए, आप दूसरे डायरेक्शन में जाओ, झगड़ा होने का बहुत चांसेस हो जाता है। इसीलिए थ्रोट चक्रा को हो सके तो बाद में ही कीजिए, क्योंकि पहले आप खुद के दूसरे चक्र एक्टिवेट कर लीजिए, वहाँ पे आप अच्छे से वर्क कर लीजिए, मतलब आप बैलेंस स्टेट में आइए, फिर थ्रोट चक्रा को आप एक्टिवेट करते हो, फिर आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव नोट पे होगा और एक परमानेंट यूनियन की तरफ आपको लेके जाएगा। वो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के जवाब दिए, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं जितना हो सकेगा उतने वीडियोस बना के डालने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।